एकेडमी। आई होप स्टूडेंट्स सब लोग अच्छे होंगे। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग के टॉपिक या फिर चैप्टर दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। लास्ट हम लोगों ने जो कंपटीशन यानी कि सॉरी पैरासिटिज्म वाला टॉपिक था कंप्लीट किया था, और मैंने कहा था हम लोग जो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे वो करेंगे ब्रिडेशन। अब हम लोग जो अपना नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका प्रेडेशन, जिसमें आपके प्रीडेटर और प्रे, शिकार और शिकारी दोनों आ जाते हैं, राइट? क्योंकि जो प्रीडेटर और प्रे है वो कहीं अलग पार्ट तो है नहीं है, हमारे एनवायरमेंट का ही पार्ट है, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन का ही पार्ट है। और एक और चीज स्टूडेंट, आज ऑलमोस्ट ये जो आपका लास्ट टॉपिक है, एक दो टॉपिक और है, फाइनली चैप्टर फिनिश हो जाएगा, राइट? उसके बाद आप लोगों के जो मिड सेक्शन के क्वेश्चंस होंगे उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे एंड फाइनली जो चैप्टर इज फिनिश। उसके बाद आप लोगों को जो नेक्स्ट चैप्टर है इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, वो भी इजी चैप्टर है, उसमें भी ज्यादा कुछ आपको पढ़ना वढ़ना नहीं है, बस चीजों को समझना है, इकोसिस्टम और एनर्जी फ्लो को समझना है, स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो हम लोगों का यहाँ पे टॉपिक बचा हुआ है पहले प्रीडेशन वाला, उसे कंप्लीट कर लेते हैं। व्हेन वी थिंक ऑफ प्रीडेटर एंड प्रे, प्रोबेबिलिटी इज द टाइगर एंड द डियर दैट रेडली कम इन आवर माइंड। अब एक खुद बात बताइए, जब कभी भी हम शिकार और शिकारी इनके बारे में सोचते हैं तो आपके पास आपके माइंड में सबसे पहली चीज कौन सी आती है? टाइगर या लाइन एंड डियर। टाइगर और लाइन के यहाँ पर प्रीडेटर जो पकड़ते हैं, शिकार शिकारी है, और डियर के यहाँ पर शिकार जो कि मारा जाता है। सबसे पहला एग्जाम्पल ये है क्योंकि बचपन से पढ़ते ही है, बट इस स्पैरो ईटिंग एनी सीड। लेकिन यहाँ पर जैसे स्पैरो की बात करें, सीड को ईट करती है, वो खाती है ना सीड, बीज खाती है, क्या हम उसे प्रीडेटर कहेंगे? क्या बताइए, प्रीडेटर कहेंगे? ऑल्सो ग्रेजर्स आर एनिमल्स ईटिंग प्लांट्स, सेम ऐसे जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि ग्रेजिंग करते हैं और जो मतलब आई मीन टू से घास वगैरह खाते हैं, जिनको बोलते हैं हम लोग हर्बीवोर्स, दे आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रीडेटर्स। जैसे हम लोग स्पैरो की बात करें जो कि सीड खाती है, ऐसे ये डिफरेंट नहीं है प्रीडेटर्स से, दे आर आल्सो प्रीडेटर्स, दे आर आल्सो प्रीडेटर्स, बट द डिफरेंस इज दैट इनका जो शिकार है वो लिविंग ना होकर नॉन लिविंग है, बाकी वो खाने का काम तो ये भी कर रहे हैं ना, ईटिंग का काम, तो ये दे आर प्रीडेटर्स, बट जो खा रहे हैं वो प्रे नहीं है उनका, आई मीन टू से वो शिकार लिविंग नहीं है, ये कह सकते हैं, बिकॉज प्रीडेटर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स एंड दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। यहाँ पर जो भी प्रीडेटर्स प्रे प्रीडेटर्स प्रे प्रीडेटर्स प्रे ये जो कोई चेन चल रही है ये हमारे एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चेन नहीं चलेगी तो हमारी जो पॉपुलेशन है एक ऑर्गेनिज्म की दूसरे ऑर्गेनिज्म की अंडर कंट्रोल हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एक फूड चेन का, आप लोगों को याद हो बच्चों, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि सपोज करिए प्रोड्यूसर्स, यहाँ पर ये हर्बीवोर्स, यहाँ पर ये कार्निवोर, ओमनिवोर एंड देन डेकम्पोज़र। एक बात बताइए, सपोज करिए कि यहाँ पर हर्बीवोर्स क्या है, खत्म हो गए, हर्बीवोर्स बिल्कुल एक्सटेंट हो गए सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ पर दो कंडीशन हो जाएंगी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको खाने वाला कोई नहीं है क्योंकि हर्बीवोर्स खत्म, और जो कार्निवोर है यहाँ पर भी इनकी संख्या जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि इनको खाने वाला कोई नहीं बचेगा, और कार्निवोर की संख्या डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि इनको इनको जो हर्बीवोर्स खाते हैं इनको फूड नहीं मिलेगा, तो प्रोड्यूसर इंक्रीज हो जाएंगे, कार्निवोर डिक्रीज हो जाएंगे, जब कार्निवोर डिक्रीज हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं ओमनिवोर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, कम या ज्यादा जो भी चीजें रहेंगी, राइट? तो इसीलिए प्रीडेटर प्रे प्रीडेटर ये जो पूरा सीक्वेंस चलता है वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट देम प्रे स्पीशीज वुड रीच पॉपुलेशन डेंसिटी एंड कॉज इनस्टेबिलिटी। तो अगर प्रीडेटर्स नहीं होंगे, शिकारी शिकार नहीं होंगे, शिकारी नहीं होंगे तो जो शिकार है जो प्रे की स्पीशीज है वो बहुत ज्यादा हाई पॉपुलेशन में इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम बिल्कुल इनस्टेबल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल दिया है इन एब्सेंस ऑफ फ्रॉग, अगर फ्रॉग नहीं हो तो जो लॉकस्ट होते हैं उनकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और ये लॉकस्ट क्या करेंगे, हमारे एग्रीकल्चर को लार्ज नंबर में डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे। And biological control methods adopted in agriculture pest control are based on the ability of the predator to regulate prey population. और हम लोगों के ज़्यादातर क्या है, farmers
पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि अगर हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर से जगह हम लोग बायोलॉजिकल मेथड यूज करें किसी भी एग्रीकल्चर पेस्ट से एग्रीकल्चर को बचाने के लिए तो वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें क्या है बायोलॉजिकल कंट्रोल में यहाँ पर क्या होता है कि जो केमिकल है वो हमारे एग्रीकल्चर में मिक्स नहीं होता, एग्रीकल्चर में मिक्स नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी हमारे बॉडी में। लेकिन यहीं पर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करेंगे तो केमिकल हमारी बॉडी में जाएगा, बहुत सारी बीमारियां ये तो आप जानते हैं। तो दैट्स व्हाई ये जो हम लोग की प्रीडेटर्स है कहीं ना कहीं प्रे को खत्म करके बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी हम लोग के जो एग्रीकल्चर पेस्ट वगैरह है उनको कंट्रोल करने में, उनको मारने में कहीं ना कहीं क्या करते हैं हम लोगों की हेल्प। एंड प्रीडेटर्स ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी by reducing the intensity of competition among competing prey species. इसके अलावा जो predators हैं, हम लोगों की जो species की diversity है, prey की species diversity, उसको maintain भी रखते हैं। Plus जितने भी शिकार थे, prey थे, अगर ज़्यादा शिकार बढ़ जाएंगे, तो competition resources के लिए उतना बढ़ जाएगा। लेकिन अभी predator शिकारी ने क्या किया? शिकार की संख्या को कम कर दिया। शिकारी ने शिकार की संख्या को कम कर दिया, जिसकी वजह से जो कंपटीशन था ज्यादा प्रे शिकार के बीच में वो कम हो गया। वेल सॉर्टेड एक्सोटिक स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड एक्सीडेंटली और इंटेंशनली इनटू न्यू ज्योग्राफिकल एरिया दे बिकम इनवेसिव एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग रैपिडली ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ नेचुरल प्रीडेटर। एग्जांपल ज़ेब्रा म्यूसलेस इन द इंटरडियर जोन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यहां पे देखिए, यहां पर एग्जांपल दिया है कि कोई भी इंडिया के किसी न्यू ज्योग्राफिकल एरिया ठीक है वहां पर उसको रख दिया। दे बिकम इनवेसिव एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग रैपिडली प्रोडक्शन की प्रोसेस करेंगे, अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि जिस नेचुरल ज्योग्राफिकल एरिया में उस एक्सोटिक स्पीशीज को लाया गया उसको मारने के लिए वहां कोई था ही नहीं, कोई प्रीडेटर ही नहीं था, कोई प्रीडेटर था ही नहीं। और जब प्रीडेटर नहीं था यानी कि उस एक्सोटिक स्पीशीज के एनिमल्स को कोई मारने के लिए था ही नहीं, तो उसकी जो जनसंख्या है पॉपुलेशन वो तो रैपिडली स्टार्ट हो जाएगी ना स्प्रेड होना, बढ़ना होगी कि नहीं होगी। नॉर्थ अमेरिका में इसकी जो नंबर एक थी वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। इफ अ प्रीडेटर ओवर एक्सप्लॉइट्स इट्स प्रे देन द प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट एंड फॉलोइंग इट द प्रीडेटर विल आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट फॉर लैक ऑफ फूड। अब यहां पे एक कंडीशन ये भी है, पहली तो कंडीशन ये हो गई कि एक्सोटिक स्पीशीज को किसी न्यू ज्योग्राफिकल एरिया में ले जाएंगे तो इसकी नंबर एक उस न्यू ज्योग्राफिकल एरिया में बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसको वहां पे मारने वाला नहीं होगी। वो भी हमको प्रॉब्लम है क्योंकि ज़ेब्रा सपोज करिए घास या पेड़ वगैरह खाता है तो नॉर्थ अमेरिका में जो ज्यादा से ज्यादा घास पेड़ थे उसने वो खत्म कर दिए, राइट? तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर प्रीडेटर बहुत ज्यादा है लेकिन प्रे कम है, शिकार कम है शिकारी ज्यादा है, शिकार कम है शिकारी ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जो शिकारी है एंड जो शिकार है प्रे है खत्म होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो उनको ज्यादा से ज्यादा मारा जा रहा है खाया जा रहा है, खत्म हो जाएंगे एक्सटेंड हो जाएंगे। और जब प्रे एक्सटेंड हो जाएंगे तो प्रीडेटर तो अपने आप ही एक्सटेंड हो जाएंगे क्योंकि उनको खाने को नहीं मिलेगा। सपोज करिए प्लांट्स और एनिमल्स हैं, प्लांट्स को खत्म कर दिया जाए और ह्यूमंस किस पर डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स पर। तो जब प्लांट्स एक्सटेंड हो गए तो ह्यूमंस कैसे बच जाएंगे? वो भी तो एक्सटेंड हो जाएंगे क्योंकि उनको खाने को नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, दो चीजों से लैक हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में प्रीडेटर्स ने प्रे को ज्यादा खा लिया,
ज्यादा नंबर ही में थे प्रीडेटर, शिकार ज्यादा थे शिकारी, शिकारी ज्यादा थे शिकार बनता, तो शिकारी ने ज्यादा शिकार कर लिया जिसकी वजह से प्रे खत्म हो गए राइट, और जो प्रीडेटर थे उनको खाने को नहीं मिला, खत्म हो गए। दिस इज रीजन व्हाई प्रीडेटर्स इन नेचर आर प्रिवेंट, इसलिए यही एक रीजन है कि हमारे नेचर में जो प्रीडेटर्स हैं वो प्रिवेंट होने चाहिए, यानी कि इक्वल नंबर में होने चाहिए, कि जितने प्रीडेटर्स हैं उतने ही प्रे हो, ताकि किसी की भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट ना। प्रे स्पीसीज हैव इवॉल्व वेरियस डिफेंस टू रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ प्रेडेशन। अब यहां पर क्या हुआ, पहले टाइम पर जो शिकारी थे, सॉरी जो शिकार थे, हिंदी में बड़ा कंसर्न हमारा शिकार एंड शिकारी, इंग्लिश में बोलते थे प्रे, जो प्रे थे प्रे की स्पीसीज, पहले वो अपने आप को बचाना नहीं चाहते थे, लेकिन जैसे 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 नई नई टेक्निक्स आ रही है उनको इस तरीके से मारा जा रहा है, प्रे भी अपनी स्पीसीज को इवॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, और इवोल्यूशन के अंदर इवोल्यूशन में उनके कौन से कैरेक्टर अपनी बॉडी में वो एक्वायर कर रहे हैं, डिफेंस, कि हम अपने आप को प्रीडेटर से कैसे बढ़ाएं, और ये कैसा इवोल्यूशन है, इवोल्यूशनरी आर्म स्ट्रेंथ, बेटर कैमोफ्लेज फॉर कंसीलमेंट, फास्टर स्पीड फॉर स्कैप एंड फॉर द प्रे, एंड द प्रीडेटर हैज टू काउंटर दीस बाय इट्स ओन मींस। जैसे कि पहले क्या था कि भाई अपने आप को छुपाना नहीं जानते, ज्यादा चीज पी रही है जिसकी वजह से प्रीडेटर से बच नहीं पाए, अब जैसे जैसे वो इवॉल्व होते जा रहे हैं, क्या है कैमोफ्लॉज की टेक्निक अपनाते जा रहे हैं, कि कैमोफ्लॉज समझते हैं ना, किसी ऑब्जेक्ट से अपने आप को थोड़ा सा कैमोफ्लॉज कर लेना, उसके रंग में ढल जाना और अपने आप को बचा लेना, कैमोफ्लॉज जो कि ग्रेविट करता है, पता है ना। इसके अलावा अपनी फास्ट स्पीड करना ताकि प्रीडेटर से जल्दी भाग सके और बच सके। एंड सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स आर क्रिप्टिकली कलर्ड टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजीली, और बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स की और फ्रॉग की स्पीसीज है जो भी कैमोफ्लेज करते हैं, कैमोफ्लेज का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से अपना कलर मैचिंग कर लेते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं। द मोनार्क बटरफ्लाई इज हाईली डिजास्टरफुल टू इट्स प्रीडेटर बिकॉज ऑफ ए स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन इट्स बॉडी। इसके अलावा यदि बटरफ्लाई की बात करें, बटरफ्लाई बहुत सारी बर्ड जो कि इनके प्रीडेटर्स हैं उससे बचती हैं, क्योंकि बटरफ्लाई के अंदर एक स्पेशल केमिकल होता है जो, सपोज करिए कि यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर बटरफ्लाई को, कोई बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए कोई भी बर्ड आ रही है तो वो अपने स्टिंग से उस केमिकल को रिलीज कर देती है, वो कुछ टाइम के लिए बर्ड से बच जाती है। यहीं पर जब कैटरपिलर होते हैं, बटरफ्लाई के कैटरपिलर होते हैं, बटरफ्लाई उन कैटरपिलर को अलग बर्ड से या किसी भी इंसेक्ट से बचाने के लिए उस कैटरपिलर पर एक केमिकल रिलीज कर देती है पूरे कैटरपिलर पर, और जब कभी भी कोई वीड बर्ड इंसेक्ट उस कैटरपिलर को खाने आता है कैटरपिलर से, जैसे वो कैटरपिलर पर अपना कुछ भी मुंह वगैरह लगाएगा, माउथ वगैरह, तो क्या है यहाँ पर वो पॉइजन उसके बॉडी में चला जाएगा बर्ड वगैरह के, और वहां पर उसको कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो कैटरपिलर को नहीं खा पाता। और इससे एक और है कि वो कैटरपिलर को एक ऐसे वीड पर, वीड यानी कि एक ऐसे प्लांट पर, जंगली प्लांट पर फीड करती है जिसके वीड में, उनकी लीव्स में पॉइजन होता है, पूरे कैटरपिलर को ढक लेता है, कैटरपिलर को कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन जब कोई भी बर्ड इंसेक्ट उस कैटरपिलर को खाने के लिए आता है तो वो पॉइजन उसके अंदर एंटर हो जाता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है या भाग जाता है, कुछ भी हो जाता है, उसके ऊपर डिपेंड है। फॉर प्लांट्स हर्बीवोर्स आर द प्रीडेटर्स, यहीं पर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के लिए प्रीडेटर्स कौन है, हर्बीवोर, मैंने अभी एग्जांपल दिया ना प्लांट एंड एनिमल का, प्लांट इज अ प्रे, शिकार है, हर्बीवोर्स कौन है, सबसे ज्यादा प्लांट अपने आप को बचाने के लिए अपने प्लांट में कौन सा चेंज कर दिया, उन्होंने इवोल्यूशन कर लिया मॉर्फोलॉजिकल में भी, और मॉर्फोलॉजिकल में भी क्या, थॉर्न कांटे, अब हम किसी प्लांट को खाने के लिए तोड़ने के लिए जाएंगे कांटे लग जाएंगे, बचा लिया ना उसने अपने आपको। मेनी प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल दैट मेक द हर्बीवोर सिक, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर ऐसे केमिकल्स वो अपने प्रोड्यूस और स्टोर करके रख लेते हैं कि हम उनको खाने की कोशिश करते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं।
Can chemicals produce or even they inhibit feeding or digestion of predator and disturb reproduction or even kill it? यहाँ पर जैसे ही हम उस केमिकल को सपोज करिए कि चलो ठीक है कांटे से उसे बचा के हमने उस पेड़ को तोड़ भी लिया फ्रूट को या कुछ भी तो उस फ्रूट में वो प्लांट्स या उस लीफ में वो प्लांट्स एक ऐसे केमिकल को प्रोड्यूस करके स्टोर करते हैं जैसे ही हम उसके लीफ को या किसी भी चीज को खाएंगे वो जो पॉइजन है जो केमिकल है हमारी बॉडी में जाएगा डाइजेशन की प्रोसेस को बिगाड़ सकता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकता है या फिर कभी कभी ऐसा है जब हाईली पॉइजन पॉइजन होगा कि हमें मार ही देगा जैसे बहुत सारे मशरूम्स आते हैं हाईली पॉइजनस होते हैं हम उनको नहीं खा सकते और जिनको पहचान नहीं होती है वो खा भी जाते हैं मर भी जाते हैं क्या है ये प्लांट्स अपने आप को बचाने के लिए जो इवोल्यूशन कर रहे हैं कैरोटॉप इज ग्रोइंग इन एब्डोमेन फील्ड प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस कार्डियक लाइकोसाइट्स दैट इज व्हाई यू हैव सीन अ कैटलॉग ऑफ वर्ड्स ऑन दिस प्लांट प्लांट है दैट इज कैलोट्रोपिस ये एब्डोमेन फील्ड्स में ग्रो होता है और ये हाईली पॉइजन होता है इसके अंदर कार्डियक ग्लाइकोसाइट्स पॉइजनियस नाम का एक पॉइजन होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइट्स इसकी लीव्स वगैरह अपने ग्रास में और इतना पॉइजन है कि गलती से भी अगर किसी एनिमल ने इस पॉइजन को खा लिया डेफिनेटली उसकी डेथ हो जानी है बाकी कुछ नहीं ना डाइजेशन प्रोसेस ना रिप्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम डायरेक्ट इसलिए आपने देखा होगा कि काफी सारे कैटल या गॉड इस प्लांट के आसपास भी नहीं दिखते हैं मेरा पता है वो मर जाएंगे खाएंगे तो अ वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट्स ऑन अ कमर्शियल स्केल और बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं हमें पता है वो केमिकल सब्सटेंस हम नहीं खाते लेकिन उन केमिकल सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट करके हम बहुत सारे चीजें बना सकते हैं जैसे निकोटाइन कैफीन क्विनाइन स्ट्राइकिनाइन ऑपियम एक्सेट्रा जो कि हमारे मेडिकल प्लांट अपने आप को बचाने के लिए अपनी बॉडी में थॉर्न प्रोड्यूस कर रहे हैं चलो ठीक है थॉर्न से तो बच नहीं सकते उनके कांटे को तो हटा नहीं सकते दूसरा नंबर वो अपनी बॉडी में केमिकल सब्सटेंस को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्यों ना हम इस केमिकल सब्सटेंस को प्लांट से निकाल भी लें अपना कुछ फायदा भी ले लिया कुछ प्रोडक्ट भी बना लिए और जो ग्रेजिंग वाले एनिमल्स हैं उनको भी प्लांट खाने का मौका मिल जाए घास खाने का मौका मिल जाए तो इंसान ने क्या सोचा एक ऐसी नई टेक्निक बनाई कि जिस प्लांट में भी कोई केमिकल सब्सटेंस था उसको एक्सट्रैक्ट किया प्लांट से प्लस अपने लिए कुछ प्रोडक्ट बना लिया लाइक निकोटाइन कैफीन क्विनाइन स्ट्राइकिनाइन ओपियम बहुत सारी चीजें और दूसरा फायदा ये हो गया कि जो ग्रेजर्स वगैरह थे जो प्लांट को खा नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ इट्स केमिकल सब्सटेंस अब वो उसको भी खा सकते हैं क्योंकि ये उसमें केमिकल सब्सटेंस बचाएगी वो तो हमने निकाल दिया अपने फायदे के लिए तो इंसान भी कम नहीं है प्लांट भी कम नहीं है बस प्लांट के बाद डिफरेंस इतना है उसके पास ब्रेन नहीं है हमारे पास ब्रेन राइट नेक्स्ट आते हैं कॉमन स्लिप नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कॉमन स्लिप आपका प्रीडेशन खत्म नेक्स्ट कॉमन स्लिप This is the interaction in which one species benefits and the other is neither harmed nor benefited. Commonly में दो species के बीच में interaction होता है जिसमें से एक को तो फायदा होगा दूसरे को ना तो फायदा होगा ना ही कोई नुकसान होगा जैसे कि an orchid growing as an epiphyte on a branch of mango tree will get benefit while the mango tree dries. No benefit. सपोज करिए ऑर्चिड है उसके ऊपर तरीके से अपने आप को लपेट के ग्रो कर गई ना ग्रो तो यहाँ पर जो ऑर्चिड थी जो बेल थी टेंड्रिल थी उसको तो बेनिफिट हो गया लेकिन मैंगो ट्री को ना कोई बेनिफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ इसको फ्लश आउट इंसेक्ट दे माइट बी डिफिकल्ट फॉर द एग्रेट्स टू फाइंड एंड कैच
अब यहाँ पर क्या होगा, जो कैटल एग्रेट्स है वो हमेशा जो ग्रेजिंग कैटल है उसके आसपास रहती है, हमेशा उनके आसपास घूमती है। एज कैटल मूव दे फ्लश आउट इंसेक्ट्स। अब यहाँ पर क्या है, जब भी वो कैटल जो ग्रेजिंग कैटल है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है तो उनकी बॉडी से कुछ इंसेक्ट्स क्या गिरते चले जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी पे तो बहुत सारे इंसेक्ट्स बैठे रहते हैं, फ्लश होते रहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो कैटल इग्रेट है उसको फायदा हो गया, क्योंकि कैटल इग्रेट ग्रासेस वगैरह नहीं खाती, ग्रेट कैटल ग्रासेस वगैरह प्लांट्स वगैरह नहीं खाती है, ये उन इंसेक्ट्स पर डिपेंड रहती है जो कि ग्रेजिंग कैटल से फ्लश होते हैं, उसकी बॉडी से बाहर आते हैं, उसकी बॉडी से निकलते हैं। अब यहाँ पे इसीलिए कैटल इग्रेट क्या है, हमेशा ग्रेजिंग कैटल के पास रहती है, ताकि जैसे ही ग्रेजिंग कैटल एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करे तो उसकी बॉडी पे जो इंसेक्ट है वो सब फ्लश आउट हो जाए, एंड देन जो हमारी ग्रेट कैटल है उसको फाइंड सके, क्योंकि वैसे तो वो फाइंड करने में उसको पकड़ने में टाइम लग जाएगा, कहाँ ढूंढे कहाँ नहीं ढूंढे, लेकिन अब डायरेक्ट उसको इंसेक्ट क्या ग्रेजिंग कैटल से मिल रहा है वो डायरेक्ट उसको खा रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, जो ग्रेट कैटल है उसको तो बेनिफिट हो गया, ग्रेट कैटल तो बेनिफिट हो गया, बाकी की जो ग्रेजिंग कैटल थी ना उसको कोई फायदा हुआ है ना उसको कोई लॉस हुआ है, ये होता है कॉमन वन इज कॉमन सेलेम। एक और एग्जांपल है, अनदर एग्जांपल ऑफ कॉमन सेलेम इज द इंटरेक्शन बिटवीन द सी एनेमोन दैट इज स्टिंगिंग टेंटिकल्स एंड द क्लॉन फिश दैट लिव्स अमंग देम। अब यहां पर क्या है, जैसे सी एनिमल है, आप लोगों ने सी एनिमल देखा होगा, कुछ इस टाइप का एनिमल होता है, इसकी बॉडी पे ऐसे ऐसे टेंटिकल्स निकले रहते हैं स्टिंगी फॉर्म में, और जो क्लाउन फिश होती है ना इस टेंटिकल्स के यहाँ बीच में रहना पसंद करती है, जो क्लाउन फिश है इन टेंटिकल्स के बीच में रहती है, क्यों, द फिश गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर व्हिच स्टे फ्रॉम द स्टिंग टेंटिकल्स, क्योंकि क्लाउन फिश को खाने वाले पकड़ने वाले शिकारी बहुत हैं, क्लाउन फिश को शिकारी पकड़ने वाले शिकारी बहुत हैं, और इससे बचने के लिए क्लाउन फिश ने क्या किया, सी एनिमोन के टेंटिकल्स में रहना शुरू कर दिया, और बाकी के जो शिकारी हैं इस टेंटिकल्स के पास भी नहीं आते, क्योंकि इन टेंटिकल्स में एक सेल्स प्रेजेंट रहते हैं साइटोब्लास्ट। साइटोब्लास्ट इन टेंटिकल्स में कौन से सेल्स की प्रेजेंस होती है, साइटोब्लास्ट की। जैसे ही कोई शिकारी इन टेंटिकल्स के पास आना शुरू करता है, ये सेल्स साइटोप्लास्ट क्या करते हैं, उनके ऊपर एक केमिकल सब्सटेंस क्या कह सकते हैं, एक पॉइजन रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो प्रीडेटर है वो मर जाता है, और क्लाउन फिश क्या है वो अपने आप को बचा ली। यानी कि आपने देखा कि सी एनिमल को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, सी एनिमल को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, ना तो वो क्लाउन फिश को खा रहा है, ना ही उसके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्प्शन कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, ना हार्म हुआ ना बेनिफिट हुआ ना लॉस हुआ, लेकिन जो क्लाउन फिश थी उसको तो बेनिफिट हो गया ना, उसको बेनिफिट हो गया क्योंकि फिश को पता था कि अगर मैं बाहर ऐसे खुले में घूमूंगी तो मुझे कोई भी पकड़ लेगा, इससे अच्छा सी एनिमल के टेंटिकल्स में रहती हूँ, ना मुझे खाएगा ना मुझे अपने अंदर लेगा ना मेरे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा, और प्लस मुझे प्रीडेटर से भी बचा लेगा। द एनिमल डज नॉट अपीयर टू ड्राइव एनी बेनिफिट बाय होस्टिंग द क्लाउन फिश, तो एनिमल को कोई भी बेनिफिट या लॉस नहीं हुआ भले ही वो क्लाउन फिश को, भले ही वो क्लाउन फिश का होस्ट। दो में देख लीजिए, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द हाइट ऑफ द फॉरेस्ट ट्री इज कॉल्ड हाइटसोमीटर। हम लोग क्या है, फॉरेस्ट में जो ट्रीज है उनकी हाइट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज हाइटसोमीटर। उसके बाद वाइल्ड एनवायरनमेंट डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 5th जून को, वाइल्ड पॉपुलेशन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 11th ऑफ जुलाई, वाइल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 22nd ऑफ अप्रैल, ओजोन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 16th ऑफ सितंबर। यहां से बार बार तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों को, ज्यादातर एनवायरनमेंट डे का आता है दैट इज ऑफ 5th जून, और इसके अलावा ओजोन डे का पूछ लेते हैं 16th ऑफ सितंबर, अर्थ का 22 अप्रैल है और पॉपुलेशन डे 11th ऑफ जुलाई। बाकी का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन यूज का एग्जांपल है। अब देखिए यहाँ पे ये क्लाउन फिश है, ये जो सी एनिमल के टेंटिकल्स है उसके बीच में रह रही है, राइट, तो सी एनिमल प्रीडेटर्स को पास नहीं आने देगा, क्लाउन फिश को खाएगा भी नहीं, ना उसको बेनिफिट, ना क्लाउन फिश को बेनिफिट हो रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर बात करी गई है कैटल इग्रेट और बफेलो की, यहाँ पे जो बफेलो वगैरह है बफेलो की बॉडी से बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह रिलीज होते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं कैटल, और यहाँ पर हम लोग जो ये बर्ड है
ये इसके आसपास रहती है। आप लोगों ने गांव वगैरह में देखा भी होगा, गांव में अगर आप लोगों ने कॉमनली फॉरेस्ट वगैरह में कहीं भी आप गए हैं तो देखा होगा कि जहाँ कहीं भी आपको कैटल दिखती है, कैटल एक ग्रेड दिखते हैं बफेलो के साथ, वो यही रीजन है कि वैसे तो इन्हें खाना ढूंढने में, इंसेक्ट ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जब इसकी बॉडी के साथ रहते हैं क्या है तो इसकी बॉडी से जो भी इंसेक्ट्स वगैरह रिलीज होते हैं उसको क्या करते हैं, खाते चले जाते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ आप लोगों का जो चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का फिनिश होता है, एंड होता है फाइनली। और मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि ये जो चैप्टर है आप लोगों का होता है ना, एक कॉमन चैप्टर है जो डेली लाइफ में आप लोग अपने आसपास देखते हो या पढ़ते हो, तो इसमें आपको कुछ रटना नहीं है, कुछ याद नहीं करना है, बस टॉपिक को समझना था वो मैंने आपको समझा दिया। लैंग्वेज बनाना और समरी पॉइंट्स में लिखना वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे लिखते हो। ओके स्टूडेंट, इसका एक सेशन बचा हुआ है हम लोगों का क्वेश्चन वाला डिस्कशन का, तो हम लोग जल्दी कर लेंगे। के बाद आप लोगों को जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो ऑलरेडी आप लोग इसे 9th और 10th में पढ़ के आए होंगे, डेफिनेटली पढ़ा ही होगा हमारे इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम में क्योंकि जो एनर्जी का फ्लो होता है, बिकॉज वी नो दैट एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ऑब्वियसली बात है एनर्जी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में शिफ्ट पास हो रही है, अपनी फॉर्म चेंज कर रही है, नथिंग एल्स। ओके तो चलिए फिर, अगर ये चैप्टर हम लोग का फिनिश हो गया है, एंड हो चुका है, तो अपना सेशन भी एंड कर देते हैं। और इसके एक क्वेश्चन डिस्कशन सेशन फिनिश होने के बाद अपन लोग का न्यू चैप्टर हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर लेंगे एंड आप लोगों का सिलेबस भी फिनिश करेंगे। मेरे ख्याल से आराम से आपके एग्जाम से पहले मैं आपका 12th का सिलेबस भी फिनिश करा दूंगी। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको कितना रिवाइज करते हुए चल रहे हैं, आप कितनी चीजों को अपने आंसर समरी पैराग्राफ लिखते हुए चल रहे हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए थैंक यू, मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट सेशन के साथ। रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय।